आधा कप मैंने तेल डाल दिया है। चिकन के जो कोरमे के पीसेस होते हैं वो थोड़े बड़े होते हैं, वो कढ़ाई पीसेस नहीं होते, 16 नहीं होते, वो 12 टुकड़े होते हैं। अब इसको मैं मैरिनेट कर रही हूँ दही के साथ। दही मुझे इसमें चाहिए 1.5 टीस्पून, ठीक है। मैंने 1 टेबलस्पून दही डाल दी। उसके बाद मैं इसमें शामिल करूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट 2 टेबलस्पून, ठीक है। ये डाल दिया हमने। चिली पाउडर इसमें जाएगा 3 टीस्पून। नमक जाएगा इसमें 1.5 टीस्पून, ठीक है। इसको अब आप मिक्स कर दीजिए और आप इसको छोड़ दीजिए कम से कम आधा घंटा। अब तेल में हम शामिल करेंगे गरम मसाला साबुत। गरम मसाला साबुत में हमें क्या क्या डालना है, हमें पहले डालना है थोड़ा सा काला ज़ीरा, 1/2 टीस्पून आप काला ज़ीरा डाल दो। उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे लौंग 6 और दालचीनी का 1 इंच का टुकड़ा। और अब हम इसमें शामिल करेंगे ये मैरिनेट की हुई चिकन। आप प्लीज़ आधा घंटा छोड़ दीजिएगा। थोड़ा सा भूनने के बाद इसमें मैं डालूंगी सारा मसाला। जो असल जो खुशबू कोरमे वाली है वो है जायफल, जावित्री और छोटी इलायची। ये छोटी इलायची मेरे पास किसी भी है, ये जायफल पिसा हुआ है मेरे पास, और ये जावित्री पिसी हुई, ये तो मैंने आज सुबह खुद ही पीसी है, ताज़ी जावित्री। अच्छा देखें, अब मैं इसमें आधा कप, सिर्फ आधा कप पानी डाल रही हूँ बिकॉज चिकन का कोरमा है, और इसको कवर करके हम छोड़ देते हैं। इसमें मैं अब डालने जा रही हूँ बाकी की चीज़ें। 1.5 कप दही, 1/4 साथ में डाल दीजिए प्याज या ये मसाला ताकि हमारी दही कर्डल ना हो जाए। चार टेबलस्पून लाल प्याज, मैंने लाल प्याज किससे क्रश की थी, चॉपर में नहीं डाली थी, मुझे दानेदार प्याज चाहिए बेलन से। रोहनी कोरमा अज्जा। चिकन 1 किलो, पिसी लाल मिर्च 3 चाय के चमचे, अदरक लहसुन 2 खाने के चमचे, पिसा खोपरा 2 खाने के चमचे, भुनी और पिसी खशखाश 2 खाने के चमचे, भुने पिसे बादाम 10 अदद, नमक 1.5 चाय का चमचा, दही 1.5 चाय का चमचा, तली पिसी प्याज 4 खाने के चमचे, तेल 3/4 कप, भुना कुटा धनिया 1.5 चाय का चमचा, काला जीरा 2 चाय के चमचे, पिसी जायफल 1/4 चाय का चमचा, पिसी जावित्री 1/4 चाय का चमचा, पिसी हरी इलायची 1/4 चाय का चमचा, गर्म मसाला आधा चाय का चमचा, लौंग 6 अदद, दालचीनी 2 इंच का टुकड़ा।